दोस्तों रैम कैसे बढ़ाएं, काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है। आज इस वीडियो में रैम बढ़ाकर दिखाने वाला हूं। मेरे पास तीन फ़ोन है, तीनों फ़ोन में रैम बढ़ाकर दिखाऊंगा। अगर आपके फ़ोन में 3 GB रैम में, 4 GB रैम में, 6 GB रैम बढ़ा सकती हो, अगर 6 GB रैम में, 8 GB रैम बढ़ा सकती हो, तो आज इस वीडियो में तीन डिफरेंट फ़ोन में रैम बढ़ाकर आपको दिखाऊंगा। सिंपल सा प्रोसेस है, छोटी सी वीडियो की, वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करे करें स्टार्ट। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में ये छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए, रैम इंक्रीज, ये छोटा सा कमेंट लिख कर सेंड कर देना। आज इस वीडियो में फ़ोन में रैम बढ़ाकर दिखाऊंगा। मेरे पास तीन डिफरेंट फ़ोन है, तीनों फ़ोन में रैम बढ़ाऊंगा और ये फ़ोन में सबसे पहले रैम बढ़ाकर आपको दिखाता हूं और ये फ़ोन में रैम कितना है मैं आपको दिखा दूं। तो यहां से सेटिंग ओपन करते हैं और यहां पर मैं सर्च कर लेता हूँ रैम, और ये देखिए ये फ़ोन में 12 GB रैम है, देख सकते हो यहाँ पर ये फ़ोन में 12 GB रैम है। और ये रैम बढ़ाने के लिए फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करना है, पर नीचे आइए, नीचे ऑप्शन है सिस्टम सेटिंग सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे आइए, नीचे ऑप्शन है रैम बूस्ट, यह ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर यह सेटिंग ऑन कीजिए, एनेबल रैम बूस्ट। ये सेटिंग ऑन करने के बाद यहाँ से बैक करना है, फिर से यहाँ पर सेटिंग में आइए, अबाउट डिवाइस सिलेक्ट करना है, नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है रैम, रैम के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन है रैम एक्सपेंशन, ये सेटिंग ऑन करना है। जैसे ये सेटिंग ऑन करोगे नीचे देखिए एक्सपेंड बाय 3 GB, 5 GB, 7 GB, तो यहाँ से 3 GB रैम बढ़ा सकती हो, 5 GB बढ़ा सकती हो, 7 GB बढ़ा सकती हो, यानी पहले से 12 GB रैम है और 7 GB रैम बढ़ाओगे टोटल हो जाएगा कितना, 19 GB रैम। तो यहाँ से मैं ये रैम बढ़ा लेता हूँ 7 GB, 7 GB रैम बढ़ाने के बाद यहाँ पर ये सेटिंग क्लोज करना है, फ़ोन एक बार रिस्टार्ट करना है, ठीक है, फ़ोन एक बार रिस्टार्ट करना है। सो ये फ़ोन मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ, जब तक ये फ़ोन रिस्टार्ट हो मैं ये वाले फ़ोन में आपको रैम बढ़ाकर दिखाता हूँ, ठीक है। ये फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है, ये फ़ोन में देखिए रैम कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ से लॉक पहले ओपन करते हैं और ये फ़ोन में रैम कितना है मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ से मैं रैम सर्च कर लेता हूँ और ये देखते हैं ये फ़ोन में देखिए रैम कितना दिया गया है, और ये फ़ोन में देखिए 6 GB रैम है, देख सकते हो यहाँ पर ये फ़ोन में 6 GB रैम है। और ये फ़ोन में रैम बढ़ाने के लिए फ़ोन में सेटिंग ओपन करना है, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आना है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ से बैटरी एंड डिवाइस केयर यह ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, नीचे आइए और यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है यहाँ पर मेमोरी, मेमोरी क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर मेमोरी क्लिक करोगे नीचे यहाँ पर देखिए ऑप्शन है रैम प्लस, यहाँ से रैम प्लस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए 2 GB रैम बढ़ा सकती हो, 4 GB रैम बढ़ा सकती हो, 6 GB रैम बढ़ा सकती हो, और ये फ़ोन में पहले से कितना GB रैम था, 6 GB। यहाँ पर इसे मैं फिर करता हूँ 6 GB रैम, नीचे यहाँ पर देखिए रिस्टार्ट, और ये फ़ोन रिस्टार्ट करना होगा। सो यहाँ से मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ, तो ये फ़ोन अभी रिस्टार्ट हो रहा है। जैसे ये फ़ोन में हमने रैम बढ़ाया था, तो ये फ़ोन में आपको रैम दिखा देता हूँ, यहाँ पर रैम बढ़ा या फिर नहीं बढ़ाए। तो यहाँ से एक बार ये पासवर्ड एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं फ़ोन में सेटिंग में आना है, वही सेम प्रोसेस है, यहाँ से रैम सर्च करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये रैम ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से रैम, और यहाँ पर देखिए रैम 12 GB प्लस, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 7 GB रैम बढ़ चुका है, देख सकते हो यहाँ पर 12 GB प्लस, यहाँ पर 7 GB रैम बढ़ चुका है, यानी टोटल यहाँ पर 19 GB रैम हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर। जैसे मैं आपको दिखाऊं ये देखिए, और अगर आप चाहो यहाँ से इसे कम भी कर सकते हो, 5 GB या फिर 3 GB भी कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा ये फ़ोन में रैम बढ़ चुका है, 19 GB रैम हो चुका है, और ये फ़ोन में भी आपने हमने रैम बढ़ाया था। एक बार यहाँ से हम ये एंटर कर लेते हैं पासवर्ड, और ये फ़ोन में आपको दिखाता हूँ अभी रैम कितना बढ़ा है, 6 GB रैम था और हमने 6 GB रैम बढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ से सेटिंग ओपन करना है, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट आप सर्च करके सेटिंग में आइए, बेटर ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च करते हैं रैम, और ये देखना ये फ़ोन में रैम प्लस, अभी यहाँ पर देखिए
जैसे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर रैम प्लस यहाँ पर ये 6 GB रैम बढ़ चुका है, जो पहले यहाँ पर 2 GB रैम था और यहाँ पर 6 GB और ये 6 मिला के हो गए 12 GB रैम यहाँ पर बढ़ चुका है। देखा आपने, ये फ़ोन में भी रैम बढ़ा और ये फ़ोन में भी रैम बढ़ा। अभी ये फ़ोन में आपको रैम बढ़ाकर दिखाता हूँ, ठीक है। ये दोनों फ़ोन को हम यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं, ठीक है। और ये फ़ोन की बारी है। जैसे ये फ़ोन में मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, यह फ़ोन में कितना रैम है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सेटिंग ओपन करते हैं। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ से अबाउट फ़ोन और यहाँ पर देखिए, जैसे ये फ़ोन में देख सकते हो कहाँ गया, यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ऑल स्पेस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑल स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आते हो, यहाँ पर देखिए यह फ़ोन में 3 GB रैम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रैम लिखकर सर्च करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर कोई सेटिंग आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं रैम, ठीक है। और ये देखिए रैम लिखकर मैंने सर्च किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, देख सकते हो यहाँ पर ये फ़ोन में कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि ये फ़ोन में रैम बढ़ाने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन चलिए यहाँ पर कुछ आया था, क्यों आपको लगे ऐसा कि मैंने आपको नहीं दिखाया, ठीक है। सर्च करते हैं, जैसे ये सर्च हो रहा है और ये देखिए रैम, ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं है रैम बढ़ाने के लिए, वही जो पहले था वही देखने को मिलेगा। देखिए 3 GB रैम है, ठीक है। ये फ़ोन में रैम बढ़ाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो रैम बढ़ाने के लिए अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं है, जैसे ये दोनों फ़ोन में रैम एक्सपेंशन रैम एक्सपेंड ऑप्शन था, अगर ये फ़ोन में कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करना है, आपको एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप YouTube में देख रहे हो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे के साइड लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर Facebook में देख रहे हो ऊपर के साइड लिंक है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और ये छोटा सा ऐप डाउनलोड करना, सेम यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और ये ऐप आपके फ़ोन में रैम यहाँ पर जो 3 GB रैम है उसे 6 GB या फिर 4 GB रैम तो नहीं करेगा, लेकिन आपके रैम को यहाँ पर पावरफुल कर देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे कि आपका 3 GB रैम है वो 6 GB के रैम की तरह फ़ोन वर्क करेगा, अगर 6 GB रैम है वो 8 GB रैम की तरह आपके फ़ोन में वर्क करेगा, बिहेव करेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर ये आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर ये प्रोसेस होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर ये कुछ टाइम लग सकता है, कुछ मिनट लग सकता है, आपको वेट करना होगा। और यहाँ पर देखिए ये डन हो चुका है, बस आपको इतना सा करना है। और इतना सा करने के बाद यकीन मानना आपके फ़ोन में यहाँ पर रैम यहाँ पर देखिए डन हो चुका है, और यहाँ पर रैम बूस्ट हो जाएगा, रैम पावरफुल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये डन हो चुका है, बस आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। ज़रूर से ऐप एक बार इंस्टॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने तीनों फ़ोन में आपको डिफरेंट मेथड्स में यहाँ पर रैम बढ़ाकर दिखाया। तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन में रैम को बढ़ा सकते हो। अगर आपके फ़ोन में रैम एक्सपेंशन रैम एक्सपेंड ऑप्शन है तो डेफिनेटली आपको ये करना है। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं है, ये ऐप डाउनलोड करके आप फ़ोन में रैम को बढ़ा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पे प्यारा सा लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।